कर्क राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन में जो होने वाला है आप अपने आंखों पर यकीन नहीं करेंगे। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पाप का घड़ा भर चुका है, अब आपके दुश्मनों की सर्वनाश निश्चित है। जी हां दोस्तों, हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे का समय आप सभी के लिए कलयुग का सबसे ज्यादा भाग्यशाली समय। अगर आप इस समय का लाभ नहीं उठा पाएंगे तो दोस्तों जीवन भर आप पछताएंगे, क्योंकि दोस्तों ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। 340 वर्षों के बाद आप सभी की कुंडली में ऐसा योग बना है जहां एक साथ आपको दो दो बड़ी खुशखबरी मिलेगी। एक तरफ आपको जीवन में वह सब कुछ मिलने वाला है जिसके लिए आप पिछले कई समस्या तड़प रहे हैं, और दूसरी तरफ आपकी जो दुश्मन है, जो आपसे जलते, जो आपको खुश नहीं देखना चाहते, जो हमेशा आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते, वह लोग आपके पैर पर गिरने वाले, आपके सामने घुटने टेक देंगे। क्योंकि दोस्तों समय आप सभी के हाथ में, वह कहते हैं ना दोस्तों, समय सबसे बड़ा बलवान है, इसके पक्ष में होता है, उसी का चलता है। आपके दुश्मनों ने बहुत मनमानी कर लिया, लेकिन अब आपके हाथ में है। अब आप इस समय को हाथ से जाने बिल्कुल भी मत देना और इस समय को सही तरीके से उपयोग कीजिएगा। हम फुल गारंटी के साथ रहते हैं दोस्तों, आप तन मन धन से मालामाल हो जाएंगे जाएंगे। सिर्फ आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, एक भी बात को मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आपके हाथ में बहुत बड़ी गलती होगी। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा। माता रानी का आशीर्वाद अभी तुरंत आप सभी को प्राप्त होगा। आपके भी कुंडली का आकलन करके हमने यह निष्कर्ष निकला है कि अब आपके दुश्मन का पाप का घड़ा भर चुका है, अब उनका सर्वनाश होने का समय आ गया है और आपको लाभ मिलने का समय आ गया है। एक साथ आपको दो दो बड़े खुशखबरी मिलेगी, तो दोस्तों आपको सावधान और सतर्क रहने की भी आवश्यकता पड़ने वाली है दोस्तों, क्योंकि भगवान जब देता है तो आपसे भी कुछ सावधानियां रखने को कहता है। दरअसल दोस्तों यह सावधानी आपके जीवन की परीक्षा है, अगर आप इन पर सही तरीके से उतर गए तो आप भगवान की नजर में उतर जाएंगे और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो दोस्तों पुनः आप सभी को हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों आप यकीन मानिए, माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुख दर्द और कष्ट संकट समस्याएं सब कुछ समाप्त हो जाएंगे और माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से हमारे अनुभवों पर आधारित है ये दोस्तों। जो भी हमें अनुभूतियां होती हैं माता रानी की भक्ति करने के दौरान, जो हमें अनुभव प्राप्त होती हैं, उन्हीं के आधार पर हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से जानकारियां देते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों हमने आपकी राशि के ग्रह गोचर काफी गहराई से अध्ययन किया है, तो ऐसे में कुछ ऐसे जरूरी कार्य है जो आपको अवश्य ही कर लेनी चाहिए। इन कार्यों को करने से आप न केवल नकारात्मक शक्तियों की चपेट में आने से बचेंगे, बल्कि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको कामयाबी आप भी हासिल हो कि जिस कि आपको सबसे अधिक जरूरत है, वह सब कुछ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो वीडियो बहुत ही ध्यान से भरपूर है और बहुत मेहनत से हमने आपके लिए तैयार किया है। अब जिन लोगों के मन में माता रानी के लिए गहरा विश्वास है, उन लोगों के लिए इस वीडियो में एक बहुत बड़ा खजाना है। यह प्यार दोस्तों माता रानी को सिद्ध करने का एक बहुत ही सरल उपाय है, बहुत ही सरल विधि है, जिसे हमारी प्राचीन आर्ष मुनियों ने ऐसे साधकों के लिए बनाया था जो गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं, जिनके पास समय का बहुत अभाव है और जिन्हें वैदिक मंत्र और विधि विधान ओ का पूरा ज्ञान नहीं होता है। तो ऐसे में वे लोग कैसे माता की सिद्धि हासिल करेंगे, माता की पूरी कृपा हासिल करेंगे और माता कैसे 24 घंटे उनके साथ रहेंगी। इसके लिए भी एक बहुत ही सरल विधि
प्राचीन काल में हमारे आर्षि मुनियों ने बनाई थी, तो आज हम आपको वह विधि भी इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। प्यार दोस्तों, यकीन मानिए, यह वीडियो स्वयं माता रानी का आशीर्वाद है और खुद माता रानी आपको यह ज्ञान देना चाह रही हैं। हम तो इस छोटे से दास हैं, केवल माध्यम मात्र हैं। शब्द तो माता रानी की कृपा तो उनकी ही है, इसलिए पूरे भाव के साथ इस वीडियो को देखें, बिल्कुल भी इस वीडियो को बीच में ना छोड़ें। यदि आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो निश्चित ही यह आपकी एक बहुत बड़ी गलती होगी। कई बार आपने छोटी छोटी गलतियां की है जिनकी आपने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। ऐसा नहीं है कि आपको इन गलतियों के बारे में पता ही नहीं चलता है, लेकिन जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है। फिर चाहे वे आपके काम धंधा व्यापार से जुड़े हुए फैसले हों, घर परिवार में लोगों के साथ किया गया बर्ताव हो, हर जगह आप कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियां कर ही जाती हैं और बाद में फिर पछताने के अलावा कुछ भी आपके हाथों में नहीं बचता है। तो अब कोई गलती मत करना, बस इस वीडियो को पूरा देखना, आपका जीवन निश्चित तौर पर बदलेगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। तो चलिए प्यार दोस्तों, माता रानी का नाम लिखकर आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भाव के साथ, पूरे भक्तों के साथ माता रानी को हृदय से याद करते हुए जय मां भद्रकाली कृपा करो। अवश्य लिखना, एक बार नहीं 3 बार लिखना, माता रानी दौड़ी चली आएगी और आपके जीवन का उद्धार कर देंगे, हमें पूरा विश्वास है। साथ ही साथ प्यार दोस्तों, अपना नाम और स्थान लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। माता रानी की आशीर्वाद से आपको उनकी पूरी कृपा प्राप्त होगी। यह दास आपके नाम से शनिवार के हवन में आहुतियां करवा देगा, बाकी फिर माता रानी स्वयं जाने कि उन्हें क्या करना है, आपकी जिंदगी को कैसे बदलना है। साथ ही साथ प्यार दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य ही दबा दें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और यह बिल्कुल ही फ्री है। प्यार दोस्तों, इससे हमें मानसिक बल प्राप्त होगा, नई ऊर्जा के साथ हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन ज्ञान के खच लेकर आते रहेंगे प्यार दोस्तों। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, यह औरत ऐसी औरत है जिसने पहले भी आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न की हैं, कई बार इतने आपके जीवन को मृत्यु के दरवाजे तक पहुंचा दिया है। जी हां प्यारे दोस्तों, कई बार आपके जीवन में ऐसा अवसर आया है जो आपको लगा कि अब आपकी जान ही चली जाएगी, यानी कि परिस्थितियां इतनी खराब, इतनी नकारात्मक बन गईं कि जब चारों ओर आपको शिवाय अमेरिकी कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था, फिर ईश्वर की कृपा करें, माता रानी का आशीर्वाद कहे कि आप जैसे तैसे उन परिस्थितियों को पार करके बाहर अवश्य ही निकल आए हैं। इसमें आपकी पुण्य कर्म और आपकी सच्ची भावना भी शामिल है। प्यारे दोस्तों, जिसने आपको बचाया है, हम पहले भी आपको कई बार यह बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं कि आपकी राशि के जातक जो हैं वह ईश्वर को बहुत प्रिय होते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो भाग है, जो सोचता है, हृदय की पवित्रता है, वह किसी और इंसान के अंदर आसानी से देखने को नहीं मिलती है। फिर चाहे वह किसी से प्रेम करना हो, कोई रिश्ता निभाना हो, या फिर दान धर्म या फिर पूजा पाठ ही करना क्यों ना हो, आप जो भी करते हैं पूरे भाव के साथ करते हैं, सच्चे हृदय के साथ करते हैं। लेकिन अब उन लोगों का क्या करें जो आपके अपने ही बनकर आपको चलते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं और समय समय पर आपको हंसाते रहते हैं, आपके खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधि ऐसी किया कर देते हैं जो लंबे समय तक आपको पीड़ित करके रखती है। फिर आपको लगता है कि आप तो कोई गलत कार्य भी नहीं कर रहे हैं, आपने हर काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से किया है, फिर सच्चे और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त क्यों नहीं हो रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम बता दें, इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि किसी ने आपका गुप्त रूप से बंधन कर दिया है। अब बंधन चाहे आपकी बुद्धि का हो, आपके घर परिवार की खुशियों का हो, या आपके काम धंधे का, यानी कि आपकी लक्ष्मी का हो। यह औरत आपके पड़ोस में रहती है, इस औरत पहले भी कई बार आपके ऊपर छोटी मोटी क्रियाएं करवा रखी हैं। अब आप ध्यान से समझिए कि आज के समय में किसी तांत्रिक क्रिया को करने के लिए किसी भी तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। प्यारे दोस्तों, आज का युग ज्ञान का युग है, इंफॉर्मेशन का युग है। अब इंसान जानकारी लेने के लिए कहीं नहीं जाता,
जानकारी स्वयं इंसान के पास चलकर आ जाती है। ये प्यारे दोस्तों, फिर चाहे वह मोबाइल का माध्यम को, कंप्यूटर का माध्यम, इंटरनेट का माध्यम हो, हर जगह जानकारी का भंडार भरा पड़ा है, जिसका एक बड़ा उदाहरण यह है कि अब लोगों को कथाएं सुनने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मोबाइल में ही रुकी जो भी कथा सुननी है, लोग बड़े चाव से, बड़े प्रेम के साथ आप सुन सकते हैं और अपने मन को शुद्ध बना सकते हैं। तब आप समझ ये किस समय बदल चुका है। अब हर इंसान के पास वह जैसा चाहता है वैसा ज्ञान उपलब्ध है, बस जरूरत है तो उसे उपयोग कर लेने की। तो अब ऐसे में कुछ लोग तो सच्चे और अच्छे होते हैं जो ज्ञान का सही उपयोग करते हैं, यानी कथा सुनते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, भजन सुनते हैं। लेकिन कुछ लोग इसमें ऐसे होते हैं जो दूसरों की खुशियों से जलते हैं, अपने मन में नकारात्मक और गलत भावनाएं रखते हैं, तो भी लोग फिर ऐसे ज्ञान को अपने पास एकत्रित करने लगते हैं जो प्यारे दोस्तों काली क्रियाओं के बारे में जानकारी निकालते हैं और उनका प्रयोग करना शुरू कर देते। हम प्यारे दोस्तों, आप विचार करके देखिए, कभी ऐसा हुआ है कि आप घर से अपने बाहर निकली हूं और आपके मुख्य दरवाजे के ठीक सामने कभी आपको हड्डी पड़ी मिली हो? नींबू या मिर्ची, लाल मिर्ची के बीज या कोई फर्क, ये दोस्त खास तौर से उल्लू का पंख, ऐसी कोई चीज यदि आपको अपने दरवाजे पर पड़ी मिली हो, या फिर कोई सिंदूर वगैरह है, या फिर कोई सफेद रंग का पाउडर जैसे कि नमक होता है, ऐसा कोई पाउडर आपको अपने घर के ठीक दरवाजे पर सामने पड़ा मिला है, या आपके घर की छत पर आपको यह चीजें पड़ी मिली हैं, तो आपने भले ही इन चीजों के बारे में विचार न किया हो। प्यारे दोस्तों, चीजें और भी बहुत सारी होती है, लेकिन फिलहाल जो हमारे दिमाग में आ रही हैं, हम बस उनके बारे में आपको बता रहे हैं। फिर आप विचार करके देखिए कि कभी ऐसा कुछ आपको अचानक आपके घर के दरवाजे के ठीक सामने या फिर आपके घर की छत पर पड़ा मिला है, जिसे देखकर एक बार को आपने सोचा कि यह यहां कैसे आ गया, इसका तो आने का कोई कारण नहीं था, लेकिन फिर आपने उसके बारे में विचार नहीं किया और आपने बस उसे उठाकर वहां से फेंक दिया, या फिर आप वहां से सीधे चले गए, तो आप समझिए कि यह चीजें आपके यहां क्यों आए। किसी ने तो इसे पहुंचाया होगा, किसी ने तो इन्हें डाला होगा, अपने आप तो आ नहीं सकती हैं, तो जिसने डाला है उसने क्या सोचकर इन चीजों को आपके घर के सामने, आपके घर की छत पर डाला है। अब यह विचार करने का विषय, प्यारे दोस्तों, लोग नकारात्मक गतिविधियों को चुपचाप अंजाम देते हैं। रात को 12 बजे या फिर किसी ऐसे समय पर जब कोई भी देख ना रहा हो, खास तौर से 24 के बाद ही ऐसी गतिविधियां की जाती हैं, तभी तो किसी को पता नहीं चलता है। दूसरे दिन अचानक दरवाजा खोला तो सामने कुछ दिखाई देता है, पढ़ा हुआ। अब अनजाने में लोग इन सब बातों की अनदेखी कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी बर्बादी शुरू जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पूर्व के पूर्वज आपसे पसंद हैं, आपकी कुल देवी देवता का साथ है आपके साथ, या फिर आपके पुण्य कर्म बहुत अधिक प्रबल हैं, तो इन शक्तियों का आपके ऊपर प्रभाव कम पड़ता है, या फिर ना भी पड़ता हो, लेकिन ज्यादा समय तक आप बच नहीं सकते हैं। या प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे एक काली क्रियाएं आपको गिरती चली जाएगी, आपके आसपास जो सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण है वह धीरे धीरे छिन्न भिन्न होना शुरू हो जाएगा। यह प्यारे दोस्तों, अब काली क्रियाओं का सीधा संबंध 2-3 ग्रहों से होता है, प्यारे दोस्तों, जिसमें राहु और केतु सबसे ऊपर होते हैं, शनि और शुक्र भी खराब होने लगती हैं। तो प्यारे दोस्तों, जैसे ही किसी ने आपके ऊपर काली प्रिया की तांत्रिक क्रिया की, वैसे ही आप कर रहा हूं, नकारात्मक हो जाता है, आपके ऊपर दुष्परिणाम देने लगता है, इससे आपकी बुद्धि क्षीण होने लगती है, नकारात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ने लगती है, और जब आप खुद ही नकारात्मक कार्यों की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, तो फिर देवी देवताओं की शक्ति आपसे दूर होने लगती है। इसलिए तो प्यारे दोस्तों, यह कहावत बनी है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जी हां प्यारे दोस्तों, है इसीलिए कोई तांत्रिक क्रिया कर दी, आपके ऊपर टोना टोटका उपाय कर दिया, तो आपकी बुद्धि परिवर्तित हो जाएगी, अचानक आपको नकारात्मक गलत कार्यों में मजा आने लगेगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अब इससे यह होगा कि आपकी विपरीत बुद्धि हो गई, क्योंकि आपका समय खराब होना है, अब देवी देवता आपके साथ नहीं रहेंगे, आपका धार्मिक कार्यों में, अच्छे कार्यों में मन नहीं लगेगा, तो जब देवी देवता आपके साथ नहीं रहेंगे,
सकारात्मक ऊर्जा ए आपका साथ नहीं देगी तो ऐसे में आपको बर्बाद कर पाना बहुत आसान हो जाएगा। अब कहने का मतलब यह है कि राहु आपके लिए नकारात्मक परिणाम देगा और आपकी बर्बादी की कहानी शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद है प्यारे दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि जो छोटी छोटी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं वह कैसे कार्य करती हैं, आपकी ग्रहों को यानी आपके राहु और केतु को खराब करना शुरू कर देती है, फिर शुक्र और शनि भी नकारात्मक होने लगते हैं। धीरे धीरे सारे ग्रह आपके लिए नकारात्मक परिणाम दे शुरू कर देते हैं, उसे ही कहते हैं विनाश काल। तो अब ध्यान से समझी जो हम आपको बता रहे हैं वह बेहद ही खास है। दो चार दिन के अंतर में आपको ऐसी कोई चीज अपने घर के दरवाजे पर या आपके कार्यस्थल पर या फिर आपकी घर की छत पर पड़ी हुई मिली है या नहीं। यदि नहीं मिली है तो निश्चित तौर पर आपको दिखाई देगी ऐसी कोई चीज ये प्यारे दोस्तों, क्योंकि यह औरत फिर से आपके ऊपर एक क्रिया करना चाहती है। इसने मन बना लिया है अब यह आपकी बर्बादी की कहानी लिखने वाली है। क्योंकि प्यारे दोस्तों हम आपको बता दें कि इस समय आपका जीवन सामान्य चल रहा है, अब आपके जीवन में कोई खास परेशानियां हैं नहीं। छोटी मोटी जो परेशानियां हैं उनका समाधान आप आसानी से निकाल पाएंगे, लेकिन वह भी ऐसी बड़ी अड़चन कोई बड़ी बाधा आपके जीवन में है नहीं। तो अब ऐसे में जो आपसे चलती हैं, जो आपकी खुशियां लिख नहीं पाते हैं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देख सकते हैं, उन लोगों के सीने पर सांप लौट रहे हैं। अब आपकी कुछ छोटी मोटी आदतें भी ऐसी हैं कि आप कभी कभी दिखावेबाजी के चक्कर में ज्यादा बोल जाते हैं, ये बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं या फिर थोड़ी बहुत दिखावेबाजी भी कर लेते हैं। इसकी वजह से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित हो जाता है और आप समझ गए कि एक राशि चक्र में केवल एकमात्र आपकी ऐसी राशि है। क्या आप ही कैसे इंसान हैं जिससे हमेशा लोग जलते हैं, चाहे आपकी परिस्थितियां कैसी क्यों ना हो, आप अच्छी या बुरी कैसी भी परिस्थिति में हो लेकिन लोग आपसे हमेशा जलेंगे। अब इसका कुछ कारण भी है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है प्यारे दोस्तों कि आप कभी भी रोते बिलखते नहीं हैं, गिर गिर आती नहीं है और अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता करते नहीं हैं। लोग देखते हैं कि आप कभी भी किसी के सामने झुकता नहीं है, हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हैं, तो उनको ऐसा लगता है जैसे आपके अंदर कुछ तो खास बात है, कुछ तो ऐसा है जो दूसरों से अलग है और बस इसी वजह से उनके मन में आपके प्रति जलन की भावना आने लगती है। आपने कई बार ऐसा नोटिस भी किया होगा प्यारे दोस्तों, पता नहीं क्यों लोग आपके हमेशा खिलाफ ही बने रहते हैं, यानी कि आप अच्छी बात भी बोलेंगे तो उसे काटने की कोशिश करेंगे, आप किसी के साथ कुछ भी अच्छा करने की या कहने की कोशिश करेंगे तब भी उसके परिणाम बुरे ही निकलेंगे, यानी नकारात्मक ही निकलेंगे और पीठ के पीछे खास तौर से लोग आपके बारे में बुराइयां करते पाए जाते हैं। कई बार तो ऐसे लोग भी आपकी पीठ के पीछे बुराइयां करते हैं जिनसे आप बहुत अधिक प्रेम करती हैं, जिनके लिए आपने बहुत कुछ अपने जीवन में किया है, यानी खुद बहुत बड़ा त्याग करके उनके जीवन को बनाया है। ऐसे लोग भी आपके समर्थन में नहीं रहते, पीठ के पीछे वह भी आपके बारे में बातें करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में भी आपके लिए जलन का भाव रहता है। तो आप समझिए कि यह कितना खतरनाक विषय है। तो आपको क्या करना है प्यारे दोस्तों, आपको सतर्क रहना है। जब भी कोई ऐसी चीज है आपको दिखाई दे तो आप समझ ले कि आपके ऊपर क्रिया हो चुकी है। अब ऐसे में आपको सबसे पहला कार्य तो यही करना है कि यह जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, इन चीजों को आपको उठाकर किसी एक जगह पर एकत्रित करके जला देना है, जैसे मिर्ची है, नींबू है या फिर कोई अंक है या कोई और अन्य प्रकार की चुनरी है या कोई सिंधु से लगा हुआ कपड़ा वगैरह है, कि ऐसी चीजें आपको जब भी दिखाई दे अपने आसपास तो उन्हें उठाकर आपको जला देना है, उन्हें आपको छूना नहीं है प्यारे दोस्तों। किसी और से उन्हें उठाएं या फिर वह जहां पड़ी है वहीं आपको उन पर आग लगा देनी है, यानी कि पेट्रोल बगैर डालकर और जला देना है, पूरी तरह से उन्हें जला देना है। दूसरा कार्य आपको यह करना है प्यारे दोस्तों के अपने घर को पूरी तरह से शुद्ध करना है और स्वयं को भी पूरी तरह से शुद्ध करना है। नकारात्मक ऊर्जा से यह आप कैसे करेंगे, अपने घर में हर कोने में गंगा जल का छिड़काव करें, यह बहुत ही आवश्यक है। और आपके घर में जो पहुंचा लगेगा
तो उस पहुंचे में थोड़ा सा नमक अवश्य मिलवा देंगे। उस पानी में नमक मिलवा दें ताकि नमक वाले पानी से आपके घर में पहुंचा लग जाए। तीसरा करें, आपको यह करना है कि आप अपने घर के हर एक कोने में लौंग का एक एक जोड़ा रखते, या प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनते जाए, यह बेहद आवश्यक है। लौंग का एक एक जोड़ा रखते हैं और शाम के समय, हर रात के समय, जब कोई आपको देख ना पाए, उस समय उस लोगों की जोड़ी को उठाकर एक कटोरी में रखें और थोड़ा सा कपूर डालकर उसे घर के बाहर जला दें, जो दोस्त अपने मुख्य दरवाजे से बाहर रखकर जलाएं। इससे होगा यह है कि जितनी भी नकारात्मकता आपके घर में आई है वह बाहर निकल जाएगी। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, आपको एक कार्य और करना होगा कि अपने घर के हर एक कोने में आपको छोटी छोटी कपूर की टुकड़ी, यानी कपूर की छोटे छोटे कपूर के टुकड़े जाने की टिकिया आपको रखनी होगी। इससे आपके घर में नकारात्मकता कभी आएगी नहीं। कपूर की कुछ ऐसी खास बात होती है कि यह नकारात्मकता को अपने से दूर भगा देता है, इसीलिए इसे पूजा पाठ में खास तौर से प्रयोग किया जाता है। अब इसी के साथ साथ आपको यह भी करना होगा कि आपने अपने मित्र पूर्वजों के नाम से यदि दीपक जलाना प्रारंभ नहीं किया है तो कम से कम 20 दिनों तक दक्षिण दिशा में अब चित्र पूर्वजों के नाम से दीपक जलाना प्रारंभ कर दें। यह बहुत ही आवश्यक है। याद रखें कि घर का पहला सुरक्षा, यानी घर के पहले रक्षक आपके मित्र ही हैं। यदि आपके मित्र ऊर्जावान रहेंगे तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि चित्र आपकी रक्षा करेंगे हर एक प्रकार की ऐसी शक्ति से जिसे आप नहीं देख सकती हैं, लेकिन वह देख सकते हैं। साथ ही साथ अपनी कुलदेवी देवता के नाम से भी दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे की देख ली, इसके ठीक बीचों बीच जलाना प्रारंभ कर दें। अब आपका सुरक्षा घेरा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब आपको स्वयं की रक्षा करनी है तो स्वयं की रक्षा के लिए हम आपको बता दें कि आप जिस पानी से स्नान करें उस पानी में थोड़ा सा नमक अवश्य मिला लिया करें। कुछ दिनों के लिए आप इस प्रयोग को करें, लगभग 7 दिनों तक। उसके बाद हमने आपको एक हनुमान रक्षा कवच बताया था, उसे कैसे तैयार करना है, किस प्रकार उसकी विधि है, सब कुछ हमने अपने पुराने वीडियो में इसके बारे में आपको बता रखा है। फिर भी आपको अभी बता देते हैं कि यह लाल रंग का धागा लेना है और किसी भी शनिवार या मंगलवार के दिन आपको रात्रि को 8 या 9 बजे के बीच हनुमान जी के मंदिर में जाना है। याद रखना है कि आपको ऐसे मंदिर में जाना है जिसका हनुमान जी का मुख दक्षिण दिशा में हो। जी हां प्यारे दोस्तों, यानी दक्षिण मुखी दरबार को हनुमान जी का दरबार में आपको जाना है। वहां पर जाकर आपको उस धागे में 9 गांठे लगानी है और 9 हनुमान चालीसा का पाठ करना है और उस गांव में हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर लगाते जाना है। साथ ही साथ आपको एक छोटे से बर्तन में, यानी तांबे का कोई बर्तन रखे, उसमें जल भरकर रखें तो जब जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करें उस धागे में गांठ में सिंदूर लगाए, उतनी ही बार आपको उस जल में भूख भी मारना है तो 9-12 हनुमान चालीसा पाठ करेंगे, नोटों का आप जल में मारेंगे, दोनों ही गांव में आप हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर लगा लेंगे, तो इस क्रिया को आप करेंगे। उसके बाद अंत में आप एक बार बजरंग बाण का पाठ करेंगे। अब याद रखें कि जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो हनुमान चालीसा में अंत में एक लाइन है जिसमें लिखा है कि तुलसीदास सदा हरिचेरा, किचन नाथ हृदय महम डेरा। तो इसमें आपको जो तुलसीदास बोला है तो उसकी जगह खुद का नाम लेकर बोला है। जैसे आपका नाम यदि रमन है तो आपको बोलना है रमन दास सदा हरिचेरा की जय नाथ हृदय महम डेरा। यह आपके लिए हनुमान चालीसा का पाठ हो जाएगा। दूसरा कि हनुमान चालीसा आपको पढ़ना है, ना कि रचना है, यानी याद। आपको भी शक हो तब भी आपको किताब में से ही हनुमान चालीसा पढ़ना होगा और जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। और एक और छोटी सी बात प्यारे दोस्तों की, जब भी हम किसी भी देवी या देवता की पूजा करते हैं, मंदिर में खास तौर से ठीक उसके सामने बैठकर कभी पूजा नहीं की जाती है, आपको थोड़ा भाई और या फिर दाएं ओर के साथ जाना चाहिए, सामने जगह छोड़नी चाहिए तब पूजा करनी चाहिए। किसी भी देवी या देवता के ठीक सामने बैठना उस महाशक्ति का अपमान माना जाता है, तो आपको थोड़ा दाएं या बाएं बैठकर पूजा करनी चाहिए, ठीक सामना कभी नहीं करना है।
इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। अब यह आपका रक्षा कवच तैयार हो चुका है। यदि कोई महिला इस रक्षा कवच को बनाना चाहे तो उन्हें बजरंग बाण का पाठ नहीं करना है। यह खास तौर से याद रखना है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बजरंग बाण जो है उसमें हनुमान जी को शपथ दिलाई जाती है और हनुमान जी स्त्रियों को मातृ शक्ति के रूप में मानते हैं, माता का स्वरूप मानते हैं। तो ऐसे में हनुमान जी नहीं चाहेंगे कि उनकी मां यानी कि कोई भी महिला जिसे वह मां मानते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कसम खिलाएगा। तो इस वजह से हनुमान चालीसा तो महिलाएं पढ़ सकती हैं लेकिन बजरंग बाण का पाठ महिलाओं के लिए वर्जित हो जाता है। तब यह हनुमान रक्षा कवच का जो धागा है ये पुरुष अपनी दाएं कलाई पर बांध लेंगे और महिलाएं अपनी बाएं कलाई पर बांध देंगे। इस रे सासा प्यारे दोस्तों, आपको इसकी शुद्धता का भी विशेष ख्याल रखना होगा। तो यह तो आपका घर का और आपका स्वयं का रक्षा खीरा तैयार हो चुका है। अब यदि प्यारे दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके बनते हुए काम बिगड़ते जा रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे किसी की नजर लग गई है या पहले से ही कोई तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर हो चुकी है, अब आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको एक बहुत छोटा सा उपाय हम बता रहे हैं। शनिवार के दिन आपको एक लाल रंग का धागा लेना है और उसमें 21 नींबू लगाने हैं, यानी एक माला जैसी बनानी है। और इस माला को आपको माता भद्रकाली के मंदिर में जाकर माता भद्रकाली की जो मूर्ति है उसे पहना देनी है। ये माला आप उन्हें पहना है और मन में ऐसा निवेदन करें कि माता रानी, जो भी हमारे जीवन में नकारात्मक शक्ति है, क्लैश है, जो भी भूत प्रेत की शक्तियां हैं, उनका हरण कर लें और हमारे जीवन को सफल बनाएं। इससे जो भी तांत्रिक क्रिया टोटका उपाय नजर बगैर आपके ऊपर की गई है वह तुरंत हट जाएगी, एक मिनट भी नहीं लगेगा। प्यारे दोस्तों, अब ध्यान से सुने, हम आपको उस महिला का नाम बताने जा रहे हैं ताकि आप उससे सतर्क रहें, उसके बारे में जान जाए। साथ ही साथ हम आपको उसकी राशि के बारे में भी बताएंगे और वह आपको कहां मिलेगी यह भी आपको बताएंगे। तो ध्यान से सुने, इस महिला का नाम आज से शुरू होता है और यह आपकी अपनी ही है। जी हां प्यारे दोस्तों, या आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं, यह आपके परिचित में है, या तो आपकी कोई रिश्तेदार है या आपकी कोई पड़ोस में रहने वाली स्त्री है। यह आपसे हंस हंस कर बात करती है, आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी बारे में अच्छा ही सोचती है, कभी आपका गलत नहीं कर सकती है, लेकिन अंदर ही अंदर इसका मन बहुत काला है और यह आपके खिलाफ षड्यंत्र रच दी है। तांत्रिक क्रियाएं करती रहती है और इनका प्रमाण है कि कई बार आपके जीवन में इसका प्रभाव देखा गया है। तो ये तो थी उस औरत के बारे में जानकारी। फिर आप अपने बहुत इक्वल से जानकारी का लाभ उठाने की कोशिश करें और समझने का प्रयास करें कि यह औरत कौन है। और जब आप इस औरत को अच्छी तरह से पहचान जाएं, समझ जाएं, तो इससे आप दूरी बना लें। प्यारे दोस्तों, इस औरत की राशि वृश्चिक है। क्यों प्यारे दोस्तों? इस बात का विशेष ख्याल रखें। जी हां प्यारे दोस्तों, तो अब इन सब बातों का ज्ञान का आप अपने जीवन में उपयोग करें। अब हम आपको बताते हैं वह सरल विधि जो हमारे आर्षि मुनियों ने ऐसे साधकों के लिए बनाई थी जिन्हें शास्त्रीय पद्धतियों का कोई ज्ञान नहीं है और वीर माता की शरण में जाना चाहती हैं, दैवी शक्तियों का साथ जाते हैं। इस विधि का प्रयोग माता रानी को सिद्ध करने के लिए ही किया जाता है क्योंकि मातृशक्ति हमेशा इंसान को घेर कर रखती है और बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है। अब इस विधि में आपको यह ध्यान रखना है कि यह भाव पर आधारित बिजी है, यानी आपकी भावनाएं बहुत प्रबल होनी चाहिए और भावनाएं प्रबल होने के लिए आपको माता के बारे में ऐसा विचार करना पड़ेगा जैसे कि वह आपके घर की सदस्य हैं, यानी कि आपको यह विचार करना है कि वे आपकी या तो स्वयं मां हैं या कि दादी मां हैं या आप कोई भी और रिश्ता जो आप भाव उत्पन्न कर सके, सम्माननीय रिश्ता आप उनसे जुड़ सकते हैं। माँ का रिश्ता जोड़ना सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इस रिश्ते से माता बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती हैं। तो अब आपको अपने मन में यह विचार करना है और माता से इस प्रकार से मन ही मन बात करनी है जैसे आप अपनी माँ से करते हैं। अब आप अपने जीवन में कोई भी कार्य करने चले, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अपनी माँ को याद करें और माँ से बोले कि मां मैं यह कार्य करने जा रहा हूं, आप देख लेना, अच्छा हो बुरा हो सब आपके ऊपर है, मुझे तो केवल आपके साथ की आवश्यकता है, आप मेरा साथ हैं। इस तरह आप मां को याद करके और कार्य करना प्रारंभ करें।
अब आप भोजन करें तो उसमें भी यही बोले कि माँ मैं भोजन करने जा रहा हूं, यह आपके लिए है, आपको समर्पित है। यानी कहने का मतलब यह है कि आप अपने जीवन की हर एक गतिविधि माता को समर्पित करें। यहां तक कि आप जब सोने जाएं तो मन में विचार करें कि माँ मैं सोने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप सपनों के माध्यम से मुझे दर्शन देंगी और अपनी कृपा मेरे ऊपर हमेशा बनाए रखेंगे। मैं आपका एक छोटा सा अबोध बालक हूं, मुझे आपकी कृपा की बहुत अधिक आवश्यकता है। इस विधि को प्रसाद जीवनम विधि कहते हैं। प्यारे दोस्तों, अब इसमें साधक अपना पूरा जीवन देवी शक्ति को समर्पित कर देता है और ऐसे जीता है जैसे कि यह जीवन उसे प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। यानी देवी देवताओं का प्रसाद है, जैसे कि प्रसाद में देवी देवताओं की शक्ति और आशीर्वाद समाहित होती है, वैसे ही फिर आपके जीवन की हर एक कार्य में दैवी शक्तियों की ऊर्जा समाहित हो जाती है। ये प्यारे दोस्तों, ये विधि वैसे तो सरल जान पड़ती है लेकिन थोड़ी कठिन भी है। शुरुआत में यह आपको थोड़ा अजीब भी लगेगा और कई बार आपको ऐसा लगेगा कि यह सब फालतू की बातें हैं, इन्हें छोड़ दीजिए, और कई बार ऐसा भी होगा कि आप इन सब चीजों को करना भूल ही जाएंगे। लेकिन प्यारे दोस्तों, हम आपको बताएं कि आपको जब याद आ जाए तब आप इस विधि का प्रयोग करना शुरू कर दें। धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी, फिर आपकी हर एक सांस और हर एक पल में देवी शक्ति का वास हो जाएगा। और याद रखें कि शुरुआत में हर एक कार्य थोड़ा सा अजीब तो लगता ही है, फिर चाहे आप हनुमान चालीसा का पाठ है नितेश पहली बार करना शुरू करें, तब भी आपको वह भी अजीब लगेगा कि थोड़ा सा हटकर यदि आप कुछ नया अपने जीवन में करें। अजीब लगना स्वाभाविक सी बात है, तो आप इस बात की परवाह ना करें और सच्चे मन से अपने भाव से माता को याद करते हुए हर एक कार्य को उन्हें समर्पित करते चले जाएं और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में हर एक नकारात्मकता दूर हट भी चली जाएगी और आप जो भी कार्य करेंगे उसका परिणाम हमेशा अच्छा ही आएगा। और सबसे बड़ी बात प्यारे दोस्तों की, आपका चित्र शुद्ध होता चला जाएगा, जिसकी कि आपको सबसे अधिक आवश्यकता है। और जैसे जैसे आपका अभ्यास पड़ता जाएगा, आप यकीन मानिए कि फिर 24 घंटे माता रानी आपके साथ रहना शुरू हो जाएंगे और आपको इस बात का एहसास और संकेत भी मिलने शुरू हो जाएंगे। अब इस बात का प्रमाण है, कहानी है, जिसे भोला राम वकील की कहानी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, कहानी बहुत ही अच्छी है और हनुमान जी पर आधारित है। वह अपनी हर कार्य को हनुमान जी को समर्पित कर दिया करते थे। एक दिन एक अपनी बहुत जरूरी कार्य को करना भूल गए और हनुमान जी की पूजा में भक्ति में लीन थे, तो उनका वह कार्य स्वयं हनुमान जी करने चले गए। जय होती है। इस उपाय की शक्ति यानी कि यह विधि बहुत कारगर है, बहुत सरल है, लेकिन उनके लिए बनी है जिसमें कोई भी वैदिक परंपरा का, वैदिक पद्धति का ज्ञान नहीं है, मंत्रों का ज्ञान नहीं है, विधि विधान का ज्ञान नहीं है। इस प्रकार से देवी देवताओं को सिद्ध कर सकते हैं, तो आप इस विधि का धीरे धीरे अभ्यास करना शुरू करिए। शुरुआत में थोड़ा सा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन लगने दीजिए, आप अपने मार्ग पर डटी रही हो। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जीवन आपके हाथों से पूरी तरह से नियंत्रित होने लगा है, आपका हर कार्य सिद्ध होने लगा है, यहां तक कि कई छोटी मोटी सिद्धियां भी आपको हासिल होने लगेंगे, आपकी बात से भी हो जाएगी, सपनों के माध्यम से आपको भविष्य के भी दर्शन हो जाया करेंगे, ऑफिस में होने वाली घटनाओं के बारे में आपको पूर्वाभास भी होने लगेंगे, बहुत कुछ आपको होने लगेगा। प्यारे दोस्तों, तो बस आप इसका अभ्यास करिए, हमें कमेंट करके बताइए कि आप कब से इस विधि का अभ्यास करना शुरू कर रहे हैं। और यदि आपको इस विधि के ऊपर और विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, हम आपको इस विधि के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, एक वीडियो अलग से बना देंगे जिससे आपको सारी बातें अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आज के इस वीडियो में आपको दी है वह अच्छी तरह से आपको समझ में आ चुकी हो। इसका प्रयोग करके आप अपने जीवन को खुद ही बदल डालेंगे। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में आता है तो बिना किसी चिंता के आप कमेंट में उस प्रश्न को लेकर हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की आपको पूरी कोशिश करें। शिक्षा साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ, जैसे एक बालक माँ को याद करता है, वैसे ही याद करते हुए जय माँ भद्रकाली कृपा करो। एक बार नहीं,
तीन बार लिखना। साथ ही साथ यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक भी कर देना। चैनल पर पहली बार आई है तो सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटे का निशान है उसे भी दबा देना। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता।